अगर कोड को सिक्योरली न लिखा जाए तो इससे बहुत सारे क्रिटिकल इश्यूज बन सकते हैं, जिनका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरे अकॉर्डिंग सबसे खतरनाक एग्जांपल हो सकता है हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल्स, जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर की कैटेगरी में आता है। आपने कई बार बग रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी लोगों की, मेनली बग बाउंटी में, जो वो रिपोर्ट करते हैं कि गिटहब से यूजर नेम्स, पासवर्ड्स, API कीज, टोकन्स, ये सब डिस्क्लोज हो गए हैं एम्प्लॉयज़ के, उस कंपनी के। तो ऐसा कई बार होता है कि एम्प्लॉयज़ अपने पर्सनल अकाउंट बना देते हैं और पब्लिकली कोड को लिख देते हैं, और इंटरनल एम्प्लॉयज़ भी कई बार ऐसा करते हैं कि पर्सनल अकाउंट बना के वहाँ पर अल्टरनेट डेवलपमेंट करते हैं, और कई बार ये हार्ड कोडेड चीज़ें कोड में छोड़ देते हैं जो कि प्लेन साइट पर होती हैं बिना इंक्रिप्शन के। ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं जिसमें डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स होते हैं, फाइल पाथ्स होते हैं। आपने वर्डप्रेस का एग्जांपल देखा ही होगा, wp-config में होता है। तो ऐसे ही अगर आप ये चीज़ें अगर आप कोड में रिपोजिटरी में कमिट कर देते हो तो इससे बहुत बड़े साइबर अटैक हो सकते हैं।